हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है वीवो का एक लेटेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो T2 Pro। गाइस, फ्लिपकार्ट पे लैंडिंग पेज आ चुका है और ये नाम जो है ना वीवो T2 Pro वो मिलता जुलता है किसी IQ के फोन से। गाइस, आपको बताने वाला हूँ कि इस फोन में जो है क्या होने वाला है, कब तक ये फोन आने वाला है और क्या ये कौन से फोन का जो है रीब्रांड होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, फ्लिपकार्ट पे लैंडिंग पेज अवेलेबल है वीवो T2 Pro का, वहां पर लिखा हुआ है कमिंग सून। अब बता देता हूँ ये फोन कब लॉन्च होने वाला है। गाइस, बेसिकली जो है ये इसी मंथ में जो है लॉन्च होने वाला है, अप्रोक्सिमेट 3rd week के अंदर जो है ये फोन लॉन्च रहेगा, मतलब जो है 20-21-22 तारीख के आसपास जो है ये फोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अब गाइस, यहाँ पर जो है क्या सिमिलरिटीज होगी जो दूसरा फोन ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो कि है IQ Z7 Pro या फिर जो है IQ G7 Pro। गाइस, ये उसी फोन का जो है एक ऑलमोस्ट रीब्रांड फोन होने वाला है। अब गाइस, यहां पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जबकि आपने देखा होगा IQ G7 जो कि वीवो का T2 था और कुछ ऐसे ही पहले भी हम जो है फोन देख चुके हैं। मतलब IQ जब भी फोन लॉन्च करता है या फिर जो है उसका ही एक रीब्रांड फोन जो है वीवो टी सीरीज के अंदर जो है आ जाता है, कुछ इस टाइप से जो है अभी भी होने वाला है। गाइस, IQ Z7 Pro या फिर जो है IQ G7 Pro का जो है रीब्रांड फोन होने वाला है वीवो का T2 Pro। गाइस, वही सेम डिजाइन होने वाला है जो कि हम IQ Z7 Pro के अंदर या फिर जो है IQ G7 Pro के अंदर से ऑलरेडी देख चुके हैं। वही होगा 6.78 इंच का डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट। लुक वाइज ये फोन काफी इंटरेस्टिंग दिखेगा जो कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहां पे डिस्प्ले क्वालिटी भी बिल्कुल सेम देखने को मिलने वाली है, 120 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। वही अगर हम बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो डायमेंसिटी 7200 आपको देखने को मिलने वाला है जो कि 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। गाइस, सेम चिपसेट जो है हम IQ Z7 Pro या फिर जो है IQ G7 Pro के अंदर जो है देख चुके हैं। इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन गाइस ये फोन जो है वही रीब्रांड फोन है IQ G7 Pro या फिर जो है हम IQ Z7 Pro हम इसको बोल सकते हैं। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऑलमोस्ट सभी ब्रांड जो है आजकल यही कर रहे हैं, सैमसंग भी करता है, वीवो भी करता है या फिर जो है हम बात कर रहे हैं रेडमी भी करता है पोको के नाम से। तो गाइस, ये ऐसा करते हैं इसलिए क्योंकि IQ Z7 Pro अवेलेबल है अमेज़न पे और वीवो का जो T2 Pro आएगा वो फ्लिपकार्ट पर आपको जो देखने को मिलेगा। कंज्यूमर चाहे फ्लिपकार्ट पे जाए चाहे आपको अमेज़न पे देखने को मिले, लेकिन जो है फोन वही बिकने वाला है, फोन इनकी कंपनी का ही बिकने वाला है, फोन यहां पर जो है इनके ब्रांड का ही बिकने वाला है। सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है, यहां पर नाम का फर्क है। एक्चुअल में क्या है, किसी को जो है ट्रस्ट होता है फ्लिपकार्ट पर, किसी को ट्रस्ट होता है अमेज़न पर, तो गाइस फोन इनका बिकना चाहिए, लेकिन जो है यहां पे उनको क्या फर्क पड़ता है कि IQ Z7 Pro बिक रहा है या फिर जो है वीवो का T2 Pro बिक रहा है, सेम फोन आपको देखने को मिलेगा। यहां पे कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे IQ Z7 Pro वर्सेस वीवो T2 Pro के अंदर। एंड गाइस, बात करते हैं वही प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो प्राइस भी जो है अप्रॉक्स उतना ही होने वाला है। एक्सपेक्टेड जो प्राइस है गाइस वही होने वाला है 23-24,000 रुपीस के आसपास हो सकता है, आफ्टर कार डिस्काउंट लगा के जो है आपको वही जो है 21999 का जो है इसका बेस रेंट होने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि IQ Z7 Pro का प्राइस है। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि कितना प्राइस इस फोन का हो सकता है, आप जो है कमेंट करके जरूर से बताना। तो गाइस, ये था आज की वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद है, जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके आप मुझे बताना क्या मानना है, IQ Z7 Pro बेटर होगा मतलब ब्रांड वाइज में, सर्विस वाइज में, या फिर जो है वीवो का T2 Pro बेटर होगा आपके अकॉर्डिंग, आप मुझे जो है कमेंट करके जरूर से बताना। और गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।